वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, उसके बेनिफिट्स फीचर्स वीडियो में कवर करेंगे, कैसा क्रेडिट कार्ड है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है इस क्रेडिट कार्ड की और क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की। तो इस क्रेडिट कार्ड को इश्यू होते ही जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 300 रिवार्ड पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे वेलकम बेनिफिट के रूप में। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस की बात करूं तो 3.5% का फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस इस क्रेडिट कार्ड पर आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कैश एडवांस 2% देना पड़ेगा। इस कार्ड पर लगने वाले फाइनेंशियल चार्जेज की अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 2.95% का फाइनेंस चार्ज पर मंथ पे करना पड़ेगा। इस कार्ड पर मिलने वाले एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो एक क्वार्टर में आपको 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेंगे और साल में आपको टोटल मिलाकर 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट की। अगर आप 150 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे तो आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। कार्ड इश्यू होने के 90 दिन के भीतर अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करेंगे या मर्चेंडाइज पर स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 150 रुपये पर 4 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेंगे। एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.50 पैसे के बराबर होगी। इस कार्ड पर आपको 0 लाइबिलिटी लॉस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल जाएगी। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन 500 से 3000 रुपये के बीच में तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेगा। इंश्योरेंस बेनिफिट की अगर कार्ड पर मैं बात करूं तो एक्सीडेंटल कवर आपको मिलेगा 10 लाख रुपये का इस क्रेडिट कार्ड पर। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप बिल का पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको कैशबैक मिलेगा, और आप रेस्टोरेंट पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करते हैं तो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये प्लस GST है और एनुअल फीस 750 रुपये, और एक क्वार्टर में अगर आप एक ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आपकी जो एनुअल फीस है वो वे ऑफ कर दी जाएगी। मतलब साल में आपके टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में अगर आप एक एक ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आपकी जो एनुअल फीस है वो वे ऑफ कर दी जाएगी इस क्रेडिट कार्ड पर। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूं तो इंडिया का निवासी होना चाहिए, इनकम प्रूफ, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। मेरे ओपिनियन की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूं तो ये एक एवरेज क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ठीक ठाक बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर आप कोई कार्ड लेना चाहते हैं PNB का तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।